भ्रष्टाचार और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही को लेकर चर्चा में रहने वाले एसएसवी वैभव कृष्ण का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। एसएसवी बे ने बुधवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेक्टर 27 स्थित कैंप ऑफिस में उन्होंने अपना पक्ष रखा। एसएसपी बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ करीब एक महीने पहले भेजी गई रिपोर्ट की वजह से ऐसा किया गया है। कुछ लोगों ने साजिश करते हुए छवि खराब करने की कोशिश की है। इस बारे में सेक्टर 20 थाने में केस दर्ज कराया गया है। वीडियो फॉरवर्ड करने से बचने की हिदायत दी गई है। बताया जा रहा है कि जिले में 3 वीडियो वायरल हो रहे हैं। कथित तौर पर उनमें एक तरफ एसएसपी वैभव कृष्ण के होने की बात कही जा रही है। पहले वीडियो में पीछे से एक लड़की की अश्लील आवाज आ रही है, दूसरे में एसएसपी के होने की बात की जा रही है, तीसरे वीडियो में केवल एसएसपी का चेहरा दिख रहा है। रात करीब 8:30 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उन्होंने जिले में भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ फाइलें भेजी थी। संवेदनशील मामले की फाइल करीब एक महीने पहले भेजी गई थी। उस रिपोर्ट में जनपद में रहे उच्च अधिकारियों, कथित पत्रकारों और अन्य लोगों के नाम है। पिछले दिनों एक्सट्रोशन करने वालों पर हुई कार्रवाई में कुछ सफेद पोश के भी जुड़े होने की बात सामने आई है, जिससे तिलमिलाकर ये साजिश रची गई है। एसएसपी ने बताया कि कथित वीडियो की जांच कराने के लिए आईजी रेंज मेरठ से अपील की गई है। इसे वायरल करने और फॉरवर्ड करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। आप भी देखें कि एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैसे दी इस मामले की सफाई और वीडियो फॉरवर्ड करने से बचने की हिदायत भी दी। सोशल मीडिया में वीडियो जो है प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि मेरा स्वयं का फोटो दिखाया गया है। इस प्रकरण को मैंने स्वयं देखा और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने इस तरीके की साजिश करने की कोशिश की है, जिससे व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पिछले एक वर्ष में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं संगठित अपराध के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध, और यहाँ पे कई प्रकार के जो नेक्सस थे, भ्रष्टाचार के जो नेक्सस थे, दलाली के जो नेक्सस थे, एक्सटॉर्शन के जो नेक्सस थे, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है, इससे तिल मिला के हो सकता है कुछ आपराधिक तत्वों ने इस तरीके का करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा, करीब 1-1.5 महीने पहले माह नवंबर के करीब मेरे द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर से संबंधित एवं अन्य कुछ और जगहों से संबंधित बड़ी संवेदनशील प्रकृति की प्रशासनिक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी, जिसमें कई लोगों के नाम थे और काफ़ी संवेदनशील प्रकृति की वो रिपोर्ट थी। उन पे अभी जांच भी चल रही है। उससे भी तिल मिला के कुछ ये शरारती तत्वों द्वारा, आपराधिक तत्वों द्वारा इस तरीके की कोशिश की गई है। आईटी एक्ट के विभिन्न प्रोविजंस के अंतर्गत थाना सेक्टर 20 पे एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। जो भी इस घिनौनी हरकत के पीछे है उसकी जड़ तक जाएंगे, एक एक आदमी को गिरफ्तार करेंगे किसने इस तरीके का करने की कोशिश किया है। आईजी रेंज मेरठ महोदय से अनुरोध करके इसकी इन्वेस्टिगेशन जनपद गौतम बुद्ध नगर से अन्यत्र किसी जनपद में ट्रांसफर करने का अनुरोध भी किया जा रहा है, जिससे कि इसमें निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसके आपराधिक कृत्य के पीछे उसकी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई। सर, अभी तक कोई आईडी सामने आई कि किस तरीके के? अब ये सब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। उसमें कोई आईडी सामने नहीं आई, लेकिन वीडियो को आप देखेंगे तो उसपे कुछ ऊपर वो है, कुछ लगा हुआ है, जिससे खुद ही जो है स्पष्ट हो रहा है कि वो मॉर्फ्ड एक वीडियो है और कहाँ से वो फॉरवर्ड हुई है, जहाँ जहाँ से भी वो वीडियो आई है उसके पूरा लिंक हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ से फॉरवर्ड होके आई है, क्या उसका स्रोत है और उसमें जो है कार्रवाई। इन्वेस्टिगेशन में सारी परतें खुलेंगी और सख्त कार्रवाई। आपने जो जांच रिपोर्ट जो सीएम को भेजी थी क्या थी, किस किस के खिलाफ भेजी थी? देखिए, मैं पब्लिकली उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सेंसिटिव उसमें कौन कौन लोग थे, क्या कोई अधिकारी था या सेंसिटिव इश्यूज थे, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ। बहुत सारी चीजों से मिला के इस तरीके का जो है कोशिश की गई है और सख्त कार्रवाई। इन्वेस्टिगेशन की सारी चीजें, आपने जो रिपोर्ट भेजी सर उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, हमें काफी मुद्दों, उसमें कौन कौन लोग हैं जो पुराने पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं वो हैं या फिर कुछ कई लोगों के उसमें है जो
आप इशू बता रहे हैं, वो मुद्दा भी है जो आप बता रहे हैं, वो मुद्दा भी और भी उसमें कई। सर इससे पहले भी लखनऊ और गाजियाबाद से भी गिरफ्तारी हुई थी, क्या अलग अलग शहरों से भी इस तरह की? इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें भ्रष्टाचार के कई एरियाज में और कई मुद्दों पे जो है जिक्र था, एक नेक्सस जो है किस प्रकार से जो है वो चल रहा था, जो हम लोगों ने पूरा फोड़ा भी था, पूरे नेक्सस को हम लोगों ने वर्कआउट भी किया था, उसी के आगे की कड़ी के उसमें कुछ कुछ चीजें थी, संवेदनशील प्रकृति के बहुत सारे मुद्दे हैं और उसमें जांच भी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी से तिल मिला के इस तरीके का सर, जो आपने रिपोर्ट जो भेजी थी इसमें क्या कोई पुलिस के अधिकारियों के भी नाम थे क्या? पुलिस के अधिकारी क्या करके मामले सर, कंटेंट क्या है वीडियो का? जांच किस स्तर पर सर, कौन जांच कर रहा है आपने? वो जांच उसमें की जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। सर कंटेंट क्या? अच्छा वीडियो में क्या कंटेंट था सर? क्या मैं कोई पीछे से किसी लड़की की आवाज आ रही है और जो वीडियो है उसमें कोई लड़की मौजूद नहीं है लेकिन पीछे से किसी की आवाज आ रही है और उसमें JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।